भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर जमशेदपुर के साक्ची स्थित उनकी प्रतिमा पर राज्य के मंत्री सरयू राय ने माल्यार्पण किया तथा उन्हें नमन किया। इस दौरान भाजपा जिला कमेटी के भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित मंत्री सरयू राय तथा भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल एक व्यक्ति या चिंतक नहीं बल्कि उस सोच के जन्मदाता थे जिन्होंने देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया है। हमें उनके बताए रास्तों पर चलकर देश को शिखर पटल पर लेकर जाना है और सभी कार्यकर्ता इस कार्य को बखूबी रहे हैं। दयाल जी भाजपा के चिंतक विचारक फिलोसफर थे। उन्होंने एक रास्ता बनाया था, अब हम लोगों को ये देखना है कि उन्होंने जो रास्ता बनाया हम लोग उस पर ही चल रहे हैं कि कहीं हम लोगों ने अपना रास्ता बना लिया और वो केवल याद करना है। इसलिए उनके रास्ता के बारे में एक बार खास करके भाजपा को विचार करना चाहिए। भाजपा की सरकार है उस रास्ते पर चले, भाजपा के नेता कार्यकर्ता उस रास्ते पर चले, उनका रास्ता क्या था पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया तो जाए, ये संगठन के लिए काम करें और कर्मियों के जो विचार हैं उनके विचारों की प्रासंगिकता होगी वो जल्दी को बताएंगे। जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सुनारे इलाकों में अवस्थित कई बस्तियों में कचरा जमाव की विकट समस्या इन दिनों देखने को मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए शनिवार को क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मंत्री सरयू राय ने क्षेत्र का दौरा किया। यहां का मुख्य समस्या ये है कि कचरों का जमाव हो रहा है और इससे यहां फैलती है बीमारियां। ये कचरा जमाव का कारण है यहां पर ठीक तरह से साफ सफाई न होना। शनिवार को क्षेत्र के विधायक सह मंत्री सरयू राय ने क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने स्थानियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और साथ ही साथ उसे दूर करने का भरोसा भी दिलाया। क्षेत्र के लोगों की माने तो अक्षय विभाग द्वारा क्षेत्र में कचरों का निष्पादन नहीं किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ के नाले भी दुरुस्त नहीं है जिस कारण से यहाँ ये समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं मंत्री सरयू राय ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। अक्षय विभाग को सफाई के लिए हिदायत दे दी गई है, साथ ही साथ आगामी कुछ ही समय में क्षेत्र का नाला व सड़क निर्माण भी करा लिया जाएगा। क्या इतना जाम हो जाता है, पूरा पानी जाम हो जाता है, पूरा बरसाती का समय में तो और दिक्कत होता है। यहाँ कचरा सब डाल देता है, पब्लिक को अगर मना करते हैं तो झगड़ा करने शुरू कर देते हैं। यही सब हम लोग उनका दिक्कत है। ढक्कन लगा दीजिए, रोड बना दीजिए। हम लोग मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी को क्या बोले आप लोग? हम लोग मंत्री जी से यही विनती करेंगे, हम लोग उनका नाली ठीक कर दे, रोड बना दे। बाल बच्चा लोग है अभी नाली में गिर जाता है, कीचड़ हो जाता है, बच्चा लोग इतना गंदगी हो जाता है, रोड का दिक्कत है, लाइट का दिक्कत है, समस्या नाली, नाली के लिए आप लोग जो समस्या बताए उसमें मंत्री जी क्या बोले आपको? मंत्री जी बोला बनेगा, बनेगा बोले है। बोले तो है कि बनेगा। गंदगी है यहाँ पर? हाँ, गंदगी तो सब है, देख लेते हैं कितना मच्छर। हम लोग परसों घूमे थे हम लोग निर्मल नगर में और जाहिरा बस्ती की तरफ, आज यहाँ देख रहे हैं। हम लोग यही देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ समस्या है। गंदगी है, उसकी सफाई होनी चाहिए और जो सफाई करने वाला हो तत्पर रहे, उसको भी सुविधा हो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि नाला को ठीक करके ढकवा दें, उसमें एक चैम्बर रहे, वहां से सफाई कर दें। नहीं तो लोग भी खुला रहता है तो उसमें कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डालेंगे तो भर जाएगा। तो थोड़ी सफाई की कमी है, सड़क वड़क सब बन रही है तो पहले से तो हालत सुधरा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साल भर में इसको एक तरीका से हम लोग ठीक करें और एक प्लान लें, पूरे का एक योजना लें और एक ही साथ में ठीक हो जाए। तो इसकी और नोटिफाइड एरिया के पास भी क्या है कि आदमी की ही कमी है उसके पास में। देख रहे हैं, देख के एक अंदाजा लगाएंगे कैसे किया जाए। सब कम से कम नाली का बदबू कहना है सर, कि बहुत दिन के बाद ये सफाई हो रहा है यहाँ पर, इसी की वजह से जो लोगों को मना अगर नियमित से ये सफाई हो ना, कि इसमें से कोई एक हो जाए जो लिखे तो कम से कम सफाई वाला कब आया था। आता भी तो ऊपर से सफाई कर देता है, नीचे जो कूड़ा भरता है भर जाता है, तो प्लास्टिक हटा दिया, कुछ कर दिया, तो सफाई में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सफाई वाले को जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा दें ताकि बढ़िया से काम करें और उसकी हाजिरी भी बने। एक बार महीना में कितना दिन आया साफ करने के लिए? अभी तो हम लोग उससे पूछते हैं तो कोई कहता है कि 10 दिन में आ जाता है, कोई कहता है कि 20 दिन में आता है, किसी को पता नहीं है। ऊपर ले लेता है, कचरा सब भग जाता है। हाँ, वही कहा ठीक से करता है।
सोनारी वेस्ट लेआउट स्थित राज भारत गैस एजेंसी में मंत्री सरयू राय ने 1000 लाभुकों के बीच उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का और चूल्हे का वितरण किया। राज भारत गैस एजेंसी सोनारी में मंत्री सरयू राय ने 1000 परिवार के बीच उज्ज्वला योजना के तहत गैस तथा गैस चूल्हा प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देने की योजना उज्ज्वला का शुभारंभ किया है। इसी योजना के लाभ से आज 1000 परिवार को जोड़ा गया है। आज राज भारत गैस एजेंसी ने अपने स्थापना के 4 साल भी पूरे कर लिए। कई बार होता है कि फ्री में चीज मिल जाती है तो लोग उसी कदर नहीं करते, चलो तो मुफ्त में मिल गया, मगर इसके बाद आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर के बचाव के लिए, आपके घर में आग नहीं लगे, दुर्घटना नहीं हो, बच्चों को दूर रखना चाहिए इससे, तो ये सब फोटो बना के यहां इन्होंने दिया हुआ है कि कमरे में जहां आप खाना बना रहे हैं वहां कोई ऐसी चीज न रखें जिसमें जल्दी आग लग जाती है, वो सबको आप दूर रखिए, चलिए फटकने दिए नदी, इतना काम आप करिएगा तो सरकार जो आपको दे रही है उस हक का उपयोग होगा और हम लोगों को भी संतोष होगा कि चलो हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया जिससे लोगों को थोड़ा सुख पहुंच रहा है, थोड़ा आराम पहुंच रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकार के निर्देश पर पूरे देश में 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत नया कोर्ट परिसर में भी लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में जन उपयोगिता से जुड़े मामले जैसे बिजली, पानी, राजस्व संग्रहण, श्रम अधिनियम, भूमि विवाद, बैंकिंग विवाद, उत्पाद अधिनियम, मापतोल विभाग, टेलीफोन बिल संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लोक अदालत नया कोर्ट परिसर में लगाया गया था। इसके लिए 5 पीठों का गठन भी किया गया। जमशेदपुर के बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के बैनर तले बड़ी संख्या में खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के साथ संस्थान के सदस्यों ने मुंह पर काली पट्टी लगाकर जिला मुख्यालय में विरोध जताया। वैसे आपको बता दें, इनके द्वारा आज से ठीक 1 वर्ष पहले ही ये मांग उठाई गई थी, इन सभी का बीपीएल कार्ड तथा कई अन्य सुविधाएं मुहैया कराया जाए। शनिवार को इसका 1 वर्ष पूरा हो गया, परंतु आज भी ये वैसे ही जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। शनिवार को इनके द्वारा मुंह पर काली पट्टी लगाकर जिला मुख्यालय में विरोध दर्ज कराया गया। मामला ऐसा है कि आज से ठीक 1 साल पहले इन लोगों के लिए वैसे केवल कपल जमशेदपुर एक प्रतीक मात्र है। इस प्रकार से भारतवर्ष में के प्रत्येक जिले में जो है सो बेघर लोग हैं और जिनके पास में कुछ नहीं है, वो केवल देश के नागरिक हैं लेकिन ना तो उसके पास में आधार कार्ड है, ना उनके पास लाल कार्ड है, ना उनके पास आवास है। वो खुले छत के नीचे में, खुले आसमान के नीचे में रहते हैं और धरती को ही जो है सो अपना बिछावन समझ करके रहते हैं। इस प्रकार के कई करोड़ लोग भारतवर्ष में हैं, तो उन्हीं के लिए जो है सो मांग किया गया था और 1 साल पहले मांग किया गया था, तो उस दिन जो है सो मांग को पूरा करने के बदले में जो है सो मारपीट किया गया था और जो है सो मानवता का चीरहरण किया गया था, तो आज हम लोग मानवता चीरहरण वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।